साईयो। प्रणाम मामा जी। इसे यहाँ क्यों ले आई? ताकि इसे नहला सकूं। देखिए ना कितना गंदा हो गया है। सत्यानाश, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? तुम्हारे पूरे कपड़े मिट्टी से सने हुए हैं, बाल बेहाल हैं, ना कोई साज सज्जा है, ना कोई श्रृंगार है, और तुम्हारा रंग तो पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया है। शुभांगी, पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने तुमसे कुछ कहा था, लेकिन लगता है तुमने मेरी बातों पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। अभी समय है, परी का धूप में घर से बाहर निकलना बंद कर दो। अगर और काली हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। लड़की है ये। मामा जी, आप आते ही शुरू हो गए। जब भी आप आते हैं ना, आई को मुझ पर कोई ना कोई नया नियम लागू करने के लिए कहता है। इतना बोलना इसने कहां से सीखा? साई से। साई कहता है कि संसार का अस्तित्व नारी से। साई? कौन साई? मुझे ज्यादा सिखाने की कोशिश मत कर कि किसका अस्तित्व किससे है। कोई कितना भी तर्क दे दे औरतों के पक्ष में, लेकिन सदियों से यही रिवाज है कि औरतों को घर की चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए, समझे? रिवाज बने हैं तो कुछ सोच समझकर ही बनाए होंगे पूर्वजों ने। जाओ, अंदर जाओ। मामी जी, आप पूजा कर लीजिए, मैं उद्धव के साथ खेलता हूँ। ठीक है, चलो।
हे खंडोबा, इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। केशव और उसके पिताजी फिर एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। मैं जानती हूँ ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है, क्योंकि दोनों के स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। जैसे जैसे केशव बड़ा हो रहा है, अपने पिताजी से दूर होता जा रहा है, क्योंकि वो साई के दिखाए मार्ग पे चल रहा है। मुझे उस पर गर्व है, लेकिन मैं धर्म संकट में हूं। एक तरफ पति तो दूसरी तरफ पुत्र। पति के साथ सात जन्म तक निभाने का वादा किया है, तो पुत्र को जन्म दिया है, अंश है वो मेरा। कैसे उसे भूख से बिलबिलाता हुआ देखूं? माँ हूं मैं उसकी। कितने दिन, कितने सप्ताह उसने घर में अन्न का दाना तक नहीं खाया। बाप बेटे के बीच में ये शीत युद्ध कब तक चलता रहेगा खंडोबा, कब तक? मैं क्या करूं जिससे मेरे बेटे की राह आसान हो जाए? मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ खंडोबा जी, एक बार मुझे राह दिखा दीजिए। फिर चाहे वो कितनी भी मुश्किल भरी क्यों ना हो, मैं उस पर जरूर चलूंगी। साई, हमारे साथ खेलिए ना, हम दो इसलिए मजा नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है। चिड़िया उड़, मैना उड़। उद्धव, तुम्हारा कड़ा कहाँ है? कौन सा कड़ा साई? वही जो मैंने तुम्हें दिया था जब तुम छोटे थे, याद है? उद्धव, तुम कड़ा पहनते हो? बुद्धू, लड़कियों वाला नहीं, जानते हो पिताजी कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब मैं बहुत शरारत करता था। एक बार मेरे पैर में लोटा फंस गया था और उसे कोई निकाल नहीं पाया, तो फिर आई बाबा मुझे साई के पास लेके गए। साई, कितना भी इस पे ध्यान रखूं, थोड़ी सी नजर हटी कि ये नजर से ओझल हो जाता है। साई, जरा सी लापरवाही क्या हुई, पता नहीं इसने कैसे अपने पैर में ये लोटा फंसा लिया। तो साई ने उसे पिघलाकर कड़ा बना दिया और मुझे पहनने को दिया। पहले मैं उसे हमेशा पहने रहता था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पैर में दर्द देने लगा, इसलिए आई ने उसे निकाल कर रख दिया। वो आज भी अलमारी में है। साई, मैं लेके आऊ उसे? नहीं, माएं होती ही ऐसी हैं, ध्यान देने वाली, संभाल कर रखने वाली। वो चीजों को सहेज कर रखना जानती हैं, और अक्सर उनकी संभाल कर रखी हुई चीजें जरूरत पड़ने पर काम आती हैं, वो भी खासकर तब जब सवाल उनकी संतान की जरूरत का हो। जब भी मैं किसी भी मुश्किल में पड़ी हूं, हमेशा साई ने मेरी मदद की है। क्या साई आज भी मुझे कोई संकेत दे रहे हैं? हाँ, ये संकेत ही तो दे रहे हैं, लेकिन उनका इशारा मैं समझ नहीं पा रही हूं। कड़े का
क्या मतलब हो सकता है? मतलब भले ही मैं नहीं समझ पा रही हूं, लेकिन मैं इतना तो आश्वस्त हूं कि समय आने पर वो खुद ब खुद प्रकट हो जाएंगे। मामी जी, अब क्या सोच रही है? प्रसाद बांटी है? शुभांगी, परी की परवरिश को लेकर तुम गंभीर नहीं हो। असर दिख रहा है तुम्हारा उस पर। तुम्हारी ही तरह लापरवाह है तुम्हारी बेटी, ना खुद का ध्यान रखती है ना बड़ों का, और लिहाज तो उसने सीखा ही नहीं है। बड़ों के साथ जुबान लड़ाती है तुम्हारी बेटी। हमारे समाज में औरतों को सिर्फ सुनने की आजादी है, बोलने की नहीं। लड़कियां अगर घर की चार दीवारी के अंदर रहें तो परिवार की इज्जत बनी रहती है। अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए। देखिए, हम परी को वही सिखा रहे हैं जो उसके लिए जरूरी है, और इसके लिए मुझे गर्व है उस पर। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि औरतों को घर की चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए? औरतें घर की देखभाल करती हैं, घर के अंदर के सभी काम करती हैं। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। एक औरत के पास जितना ज्यादा ज्ञान होता है, चाहे वो ज्ञान किसी भी चीज का हो, उससे वो अपने घर को और समृद्ध बनाती है। और किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसके कौशल से अधिक उसका अच्छा इंसान होना मायने रखता है। दूसरों के लिए उसके दिल में प्यार और करुणा हो, ये मायने रखता है। और हमारी परी बिल्कुल ऐसी ही है। पूरा गांव जानता है कि वो पशु पक्षियों से कितना प्यार करती है, उनकी कितनी देखभाल करती है। इसीलिए तो पूरा गांव उसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ। शुभांगी वही नहीं, बायजा अक्का ने आपको याद दिलाने के लिए कहा है कि कल मारुति मंदिर में हल्दी कुमकुम का समारोह है। हमने इस बार सोचा है कि सबके घरों में व्यक्तिगत रूप से जाने के बजाय हम सब मारुति मंदिर में इकट्ठा हो और वहीं पे हल्दी कुमकुम मनाया जाए। इससे समय भी बचेगा और हम औरतों को थोड़ी देर के लिए घर के कामों से फुर्सत भी मिल जाएगी। आखिर हमें भी तो कभी कभी घर की चार दीवारी से, घर के कामों से छुटकारा चाहिए होता है, है कि नहीं? ठीक है, मैं आ जाऊंगी।
लगता है इस गांव के मर्दों की अक्ल घास चरने गई है, लेकिन मुझे इससे क्या, मुझे तो बस अपनी भांजी की फिक्र होनी चाहिए, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। किनाई मेरी बात कुछ नहीं सुनना है मुझे। किनाई एक बार सुन। सुनना तुम्हें होगा तात्या, मेरी नहीं सुननी है ना, तो चलो अब साई की सुनो। चलो वही तो कह रहा हूँ साई। तात्या क्या बात है भाई सामा, थोड़ी अकल दो इसे, समझाओ इसे साई। पता है क्या कह रहा है, सब्जी का कारोबार करने जा रहा है, बोल रहा है कि नगर जाएगा, वहां जाकर अंग्रेजों की छावनी में सब्जी बेचेगा। मना किया है हमने इसे, पहले भी हमसे व्यापार के बारे में बात कर चुका है, लेकिन इसकी आजी ने, बाबा ने और मैंने सबने कहा कि हमें दूसरा व्यापार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज अपने बाबा की गैरहाजिरी में कह रहा है कि इसने सब्जी का कारोबार करने का फैसला किया है। साईं अब तुम ही समझाओ इसे कि ऐसा करना समझदारी नहीं है। ये मैं क्या सुन रहा हूं दात्या, क्या ये सच है? इतनी बड़ी बात और तुमने मुझे बताया भी नहीं, ये सही नहीं किया तुमने। इसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ साई, तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? हाय साई को सब पता है, और यही बात मैं आपको कब से बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप है कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं और केशव पहले ही साई से मिल चुके हैं, साई के मार्गदर्शन से ही हमने सब व्यापारों में से इस व्यापार को चुना है। साई? हाँ भाई सामा। और तुमने मुझे भी नहीं बताया। क्या साई, ये मैं क्या सुन रहा हूं साई, क्या ये सच है? इतनी बड़ी बात आपने मुझे भी नहीं बताई, ये आपने सही नहीं किया। तुम दोनों बात को हंसी में उड़ाना बंद करो, कारोबार करना कोई मजाक नहीं होता है। क्या तुम दोनों में से किसी को भी व्यवसाय चलाना आता है, अनुभव है? नहीं ना, अच्छे अच्छे लोग डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मैं कुछ कहूं भाई सामा? क्या हुआ आई, आप क्या सोच रही हो, कोई परेशानी है? समझ में नहीं आ रहा कि इस बार हल्दी कुमकुम के अवसर पर औरतों को क्या उपहार में दूं। आई आप मिट्टी से बने बर्तन उपहार में दे सकती हैं, मैं उन पर चित्र बना दूंगी। लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगेगी और समय भी, हल्दी कुमकुम कल है, हमें कुछ और सोचना चाहिए जो जल्दी से हो सके। आई अगर आप तैयार है तो मैं जल्दी जल्दी भी कर सकती हूँ। दिखने में तो सुंदर लगेंगे, लेकिन मिट्टी की चीजों का मोल मिट्टी के बराबर ही होगा ना। अरे तो तांबे से बने हुए बर्तन दे दो। नहीं दादा, पिछली बार भी वही दिए थे, अगर दोबारा दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तात्या क्या तुम मेरे लिए ये कपड़ा धो सकते हो? क्यों नहीं साईं, Thank you.
रुको तात्या, ये तो हल्दी का दाग है। तो क्या हुआ, अभी धो देता हूँ। तात्या, अगर इसे सादे पानी से धोगे तो दाग लाल हो जाएगा। जिस हिस्से में दाग लगा है उसे दूध में डुबोकर रखना पड़ेगा, तभी ये निकलेगा। लेकिन इसे देखकर तो वो भी मुझे मुश्किल लग रहा है। साई, अगर ये पुराना हो गया है तो इसे फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए नया कुर्ता ले आऊंगी। भाई सामा, आपको कैसे पता चला कि अगर हल्दी के पीले दाग को सिर्फ सादे पानी से धोएंगे तो वो लाल हो जाएगा? अपनी गलती से सीखा है मैंने, तभी तो बता रही हूँ। ऐसे ही हर इंसान अपनी गलती से ही सीखता है, अनुभवों से आगे बढ़ता है, एक बेहतर इंसान बनता है अनुभवों से सीखकर। सोची, अगर हम गलतियों के डर से या फिर सफल ना होने के डर से प्रयास करना ही छोड़ दें तो क्या हम कुछ भी हासिल कर पाएंगे? चिंता तो होगी ना, माँ हूं। ठीक वैसे ही जैसे आज ही माँ को होती थी, जब आप और अप्पा जी अपने पैसे खर्च करके दूसरे की मदद किया करते थे, अपने घर का आटा गीला करते थे आप। एक समय के बाद चिड़िया भी अपने बच्चों को घोंसले से बाहर धक्का दे देती है ताकि वो उड़ना सीख सके। तात्या जो करना चाहता है आप उसे करने दीजिए, हो सकता है ये व्यवसाय ही उसे बुलंदियों तक ले जाए। या फिर यह भी हो सकता है कि ये व्यवसाय तात्या को अर्श से फर्श पर ले आए। पर हां, एक बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं मैं आपको कि हमारा तात्या और भी अधिक शक्तिशाली और भी अधिक सशक्त बनकर उभरेगा। दुनियादारी की, लोगों की, समाज की, व्यवहारिकता की और भी गहरी समझ आएगी इसे। इसे ये अनुभव मत छीनिए भाईजामा, मत छीनिए। मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन बाबा, उन्हें मैं समझा दूंगी। शुक्रिया आई।